सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से लोग यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस बेसिस पर आप लोगों को यूपी टेट का एग्जाम देने को मिलेगा। दोस्तों प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु क्या यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी क्वेरी आ रही है, तो उन प्रशिक्षुओं को भी मैं बताऊंगी और बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर मैं समझा दूं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी कि यूपी टेट का पेपर कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। सबसे आसान चीज ये समझिए आप, अगर आपने 2 साल का बीएड किया है या 1 साल का बीएड किया, बीएड आपका कंप्लीट है और आपका बीटीसी कंप्लीट है, जिसका भी बीएड या बीटीसी कंप्लीट है, ठीक है, जिसका भी बीएड मान लीजिए कंप्लीट है और बीटीसी या फिर डीएलएड कंप्लीट है, जिसका भी कंप्लीट है, मैं कंप्लीट होने की बात कर रही हूँ, 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल गया है, तो आप आसानी से यूपी टेट सीटेट दे सकते हैं, सुपर टेट दे सकते हैं यूपी टेट पास होने के बाद या सीटेट पास होने के बाद, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं, अगर जो प्रशिक्षु अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर सबसे पहले मैं बीएड की बात करूं, बीएड में क्योंकि साल में एक बार एग्जाम होता है तो इसमें क्लियर होता है, आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। बीएड में अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल का आपको रिजल्ट मिल गया है, रिजल्ट आपके हाथ में है, इसका मतलब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यूपी टेट का। अगर 1 साल का 1 साल आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको उसका रिजल्ट मिल गया है, आप सेकेंड ईयर में हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर में बच्चा अगर है और वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है, यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उसके हाथ में है, तब वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएड में वही प्रशिक्षु अप्लाई कर सकते हैं जिनको उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बीएड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बीएड फर्स्ट ईयर में है और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूपी टेट में। अगर यूपी टेट की जो आवेदन की तिथि है, अगर आवेदन की तिथि के एक दिन पहले भी, आवेदन की लास्ट डेट के एक दिन पहले भी रिजल्ट आ जाता है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डीएलएड के प्रशिक्षुओं को है, डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए अलग से मैं यहाँ पर समझाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डीएलएड के प्रशिक्षुओं को यहाँ पर मैं अलग से अब बताने जा रही हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों में। तो सबसे पहले सबसे आसान चीज आप लोग भी समझिए, अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आ गया है, कहने का मतलब है दोस्तों, अगर यूपी टेट के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले भी अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तब तो आप अप्लाई कर सकते हो और वो आपका जो यूपी टेट का मार्कशीट होगा या यूपी टेट का जो आपका अंक पत्र होगा वो बिल्कुल मान्य होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। और अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अगर समय से नहीं आता है और आवेदन की अंतिम तिथि भी चली जाती है, तो फिर आपका यूपी टेट 2019 बैच का मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों का एग्जाम हो गया है, आप लोगों का मैथ का पेपर आउट था, उसका ऑलरेडी हम वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को पता है मैथ के पेपर का, तो आप लोग दोस्तों चैनल से पढ़ते रहिए। और अगर आप लोग अपना रिजल्ट दिसंबर में कोशिश करके किसी भी तरीके से अगर आप लोग आउट करवा लेते हैं, अगर आपका रिजल्ट समय से आ जाता है, तो आप लोग बिल्कुल यूपी टेट देने के लिए तैयार रहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, बस आप लोगों को अपना रिजल्ट टाइम से किसी भी तरीके से पीएनपी पर जा करके किसी भी तरीके से आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि आप लोग समय से अपना रिजल्ट निकलवा लें। जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग भी आसानी से यूपी टेट का फॉर्म भर लेंगे, और यूपी टेट एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर केवल सारा फोकस आप लोगों का सुपर टेट पर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को समझ में आ गया होगा, अगर उनका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा समय से यूपी टेट का फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट से पहले, तो वो भी अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों ऐसे प्रशिक्षु जिनका बैक होता है, मान लीजिए 2018 बैच की बात करूं या 2017 बैच की बात करूं, अगर आपका मान लीजिए बैक लगा है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में और आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हाँ आप इसमें
लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपको मिला है ना, इसलिए आप एग्जाम देने के लिए पात्र होंगे। तो आप उस मार्कशीट को तभी अप्लाई करेंगे जब आपका चारों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आप जो विषय जिसमें आपका बैक लगा था उसका भी एग्जाम देके जब आप पास हो गए होंगे तब आप इस डिग्री का अपने प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों जिसको जो भी कंफ्यूजन थी, उम्मीद करती हूँ कि अब दूर हो गई होगी, ठीक है। और आप लोग दोस्तों चैनल से ऐसे बने रहिए, हम लोग आपको यूपी टेट और सी टेट दोनों की बहुत बेहतर प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। तो आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं यूपी टेट से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। तो ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।